नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक होने को हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पेपर तैयार कराने में सरकार पहले से विशेष सावधानी और गोपनीयता बरतती है, फिर भी कुछ ऐसे शातिर लोग हैं जो इसी दाग में रहते हैं और इस बार उन्हें सफलता मिल गई। लेकिन सरकार ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाएगी ताकि वे दोबारा से इस तरह का दुस्साहस ना कर सके। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने परीक्षार्थियों से भी इस तरह के जालसाजों से बचने की अपील की और कहा कि प्रदेश का युवा अपनी योग्यता पर भरोसा रखे। नौकरियों के मामले में सरकार ने पहले से ही राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म कर दिया है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं सरकार का हिस्सा हूँ चेयरमैन के नाते, तो लोगों की समस्याएं रहती हैं। तो ये प्रदेश स्तर पर हमारे नेतृत्व ने तय किया कि हमारे जितने भी MLA हैं, मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कार्यालय में 2 घंटे सप्ताह में एक बार समय निकाल के जरूर बैठें। तो उसी कारण से मैंने ये 3 में पहले नहीं बैठ पा रहा था। हमारे बनवारी लाल जी मंत्री जी बैठते थे, हमारे विधायक कोसली लक्ष्मण यादव जी बैठते थे, मैं नहीं बैठ पाता था। तो मैंने 3 सोमवार से तय किया कि भाई मैं भी यहाँ 2 घंटे बैठूंगा, तो उसी के निमित्त मैं यहाँ बैठता हूँ 2 घंटे 11 से 1 तक और लोगों की समस्याएँ सुनता हूँ। और लोगों की समस्याएँ सुनता ही नहीं, उनका समाधान भी सरकारी स्तर के ऊपर होता है। अभी पहली बार बैठा था तो कुछ समस्याएँ आई थी, तो लगभग मैं आप मुझसे सिलसिलेवार कहेंगे तो मैं बताऊँगा कि क्या समस्या आई थी, उनका क्या समाधान हुआ। तो पिछली बार भी जो आई थी उनका भी समाधान हुआ, तो उन समस्याओं का तुरंत प्रभाव से हम समाधान करने का भी प्रयास करते हैं और समस्याओं का समाधान होता भी है। तो इसी निमित्त बैठते हैं, इसमें कोई और दूसरा कारण नहीं है कि क्यों बैठे हैं। क्या बड़ी वजह? देखिए, एक व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं, उनके पास भी बहुत सारी इतनी व्यस्तताएँ रहती हैं, सरकार के इतने सारे काम रहते हैं, कई बार नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आम आदमी वहाँ 2 बार गया, 2 बार के बाद उसको लगता है, उसको आसान तरीका दिखता है कि जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, हमारे नेता हैं, हम उनके पास जाएँ। उनके जाने से, कहने से, हमारे कहने से शायद अधिकारी कम सुन पाएंगे, लेकिन हम अपने नेता से, जनप्रतिनिधि से कोई बात को कहलवाएंगे तो आसानी से हमारी समस्या का समाधान हो जाएंगे, ये हमारी मानसिकता भी बनी हुई है। तो इसी के लिए अपने नेताओं के पास, अपने पसंदीदा लोगों के पास जाते हैं अपनी समस्या लेके और वहाँ अपनी बात को कहते हैं। 2 दिन पहले हरियाणा, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये पेपर का लीक होना, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। लेकिन इसके अंदर जो लोगों का काम ही ये है कि वो जो है बिल्ली की तरह ताक लगा के बैठे हैं कि कहाँ से पेपर सेट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ऐसी छुपी हुई प्रक्रिया सरकार अपनाती है हरियाणा, चाहे वो HPSC हो, चाहे SS बोर्ड हो, बहुत ऐसी जगह से, 4-5 जगह से पेपर को फ्रेम कराते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोगों का काम ही ये है, वो कहीं ना कहीं से इसको लीक कराने का प्रयास करते हैं। उनको सफलता मिल गई, इस बार वो पकड़े गए हैं, 12 लोग अरेस्ट हो गए हैं, कई अकेडमियों के नाम भी आ रहे हैं उसमें जाँच के अंदर। तो इस बार सबको ऐसा सरकार सबक सिखाने वाली है, सबको जेल के शिक्षकों के पास भेजने वाली है। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों के बीच में, जालसाजों के बीच में आके आप लोगों ने पेपर खरीद लिया, आप पैसे दे के खरीद लिया, मीडिया के अंदर आ रहा है कि उन्होंने एडवांस बुकिंग कर ली थी, कोई चेक भी उन्होंने पोस्ट डेटेड दे दिए, मतलब इस तरीके का काम भी ना करें। क्योंकि इस सरकार ने संकल्प लिया हुआ है कि जो मेरिट पे होगा, मेरिट वाले लोगों को स्थान मिलेगा, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप जो पहले होता था उसको बिल्कुल सरकार ने खत्म कर दिया है। पारदर्शिता से ये सरकार नौकरियां दे रही हैं, इसलिए अपनी मेहनत करें, अपनी पढ़ाई करें,